प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफी महत्वपूर्ण है और आपको नहीं आते थे। तो शुरू करते हैं हम। राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्चड़ से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, यहाँ पर इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ऑप्शन बी, कई बार आपको आवाज क्लियर नहीं होती है तो आप यहाँ से इनके आंसर्स देख सकते हैं। ये बुक मुझे काफी मांगने पर मिली है तो मेरा मन था कि इस बुक के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं, और YouTube मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी 12वीं सदी में, बी 10वीं सदी में, सी 11वीं सदी में या डी 9वीं सदी में। तो ऑप्शन ए सही है, 12वीं सदी में। पूर्वी राजस्थानी भाषा का संबंध है डिंगल से, पिंगल से, ब्राह्चड़ से या कोई नहीं। तो डिंगल आपको पता है जिसमें राजस्थानी मिक्स हो, और पिंगल आपको पता है जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा मिक्स हो। तो ऑप्शन बी सही है, पिंगल से। 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी के साथ इस भाषा का मिला जुला रूप देखने को मिला, तो वो कौन सी भाषा है? गुजराती है। मीराबाई के पदों में भी हमें गुजराती का पुट मिलता है। पश्चिमी राजस्थानी का संबंध है आधुनिक राजस्थानी से, प्राचीन राजस्थानी से। ऑप्शन बी ही सही है, प्राचीन राजस्थानी से। प्राचीन समय में राजस्थानी भाषा को जाना जाता था मरुभाषा के नाम से, मरुदेशीय भाषा, मरुभूम भाषा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, मरुभाषा, मरुदेशिया और मरुभूम। अर्वाचीन राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है ए 18वीं, बी 17वीं शताब्दी, सी 16वीं शताब्दी या डी 15वीं शताब्दी। तो ऑप्शन ए सही है, 18वीं शताब्दी। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भाषा ने अपने आप को अपभ्रंश से अलग कर लिया था 12वीं में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन बी सही है, 13वीं शताब्दी में। प्राचीन राजस्थानी का विकास काल माना जा सकता है 13वीं से 16वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी, 14वीं से 18वीं शताब्दी या 15वीं से 16वीं शताब्दी। तो ऑप्शन ए सही है, 13वीं से 16वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा को बांटा गया है दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में या डी 5 भागों में। तो ऑप्शन सी सही है, 4 भागों में। सॉरी, यहाँ पे ए दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन सी सही है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और मेवाड़ी, ये इनका बताया गया है। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, या कोई कोई क्वेश्चन किसी बुक्स में गलत होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर इतिहास पढ़िए। और मैंने बहुत बार ये वीडियोस बनाए हैं, ये बताया है बच्चों को कि ठीक है, इनसे आपके एग्जाम का पॉइंट तो क्लियर होता है लेकिन आपका ज्ञान जो बढ़ेगा वो प्रॉपर बुक पढ़ने से ही बढ़ेगा। कभी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको जो मेन बुक्स हैं, शुक्ल जी का इतिहास है, नगेंद्र जी का इतिहास है, तो मैं आपको उसमें से करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। नेक्स्ट है, साहित्यिक मारवाड़ी बोली को कहा जाता है डिंगल, पिंगल, बागड़िया, कोई नहीं। तो ए डिंगल। विशुद्ध मारवाणी बोली जाती है जयपुर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में या भरतपुर में। तो जोधपुर में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित चार नाटकों में इसी बोली का साहित्यिक रूप देखने को मिलता है, बागड़ी का, मेवाड़ी का, मेवाड़ी का है वैसे, महाराणा कुंभा मेवाड़ी। बागड़ी बोली में च और छ के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? तो च और छ के स्थान पर स ही प्रयोग हो जाता है। दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, यानी के लिखा गया है? ए ढूंढाणी में। गुजराती और ब्रजभाषा के प्रभाव के कारण ढूंढाणी के रूप मिलते हैं 15 है। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। मेवाड़ी का प्रयोग क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के या उसके आसपास का क्षेत्र, और डी ऑप्शन है सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन सी सही है, उदयपुर और उसके आसपास। मालवी का प्रयोग क्षेत्र कौन सा है? झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा या सभी। तो झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा सभी ऑप्शन सही है। मेवाती बोली का प्रयोग क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। राजस्थानी भाषा के कवि सूर्य मल मिश्रण की रचनाएं मिलती हैं हाड़ोती, मेवाती, मेवाड़ी या मारवाड़ी। तो ऑप्शन ए सही है, हाड़ोती में। मारवाड़ी की प्रमुखतः उप बोलियां कौन कौन सी हैं? ए 4, 5, 6 या 8। तो ऑप्शन ए सही है,
चार। हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता मिली डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथों से, सुनीति कुमार चटर्जी के भाषा वैज्ञानिक कार्यों से, कैलॉग के व्याकरण ग्रंथ से, या इनमें से कोई नहीं तो ग्रियर्सन जिन्हें हाड़ौती पर बुक्स लिखी हैं। तो ऑप्शन ए सही है। राजस्थानी भाषा के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ, ऊपर भी आया है सूर्यमल मिश्रण का, तो ऑप्शन ए 1815 ईस्वी बूंदी में। क्लियर, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1816 कोटा या जोधपुर, 1815 बूंदी सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है, ए पिंगल, बी डिंगल या मारवाणी या कोई भी नहीं, तो ऑप्शन ए सही है पिंगल। वीर सत्सई कथा रचा है कन्हैया लाल सेठिया ने, बाकी दास आशिया ने, सूर्यमल मिश्रण ने, तो सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्सई ग्रंथ लिखा, आपने राजस्थानी साहित्य के में पढ़ा होगा। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार विजय दान देथा को इस नाम से भी जाना जाता है, बिज्जी नाम से जाना जाता है, विजय दान से बिज्जी घर का नाम कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो काव्य में 100,000 छंद है, 200,000 छंद है, सी 300,000 छंद या डी 50,000 छंद। तो मुझे ये पृथ्वीराज रासो पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अजीब लगते हैं, क्योंकि अब तक क्लियर हो ही नहीं पाया है। तो हम 100,000 छंद को पृथ्वीराज रासो में, जैसे हम 125,000 छंद उसमें कर देते हैं, 125,000 पद सूर साहित्य में कर देते हैं, तो इस तरह से हम ए ऑप्शन को सही कर देते हैं। राजस्थानी भाषा संस्कृति और साहित्य अकादमी कहाँ पर है, ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी जयपुर में या डी कोटा में, तो ऑप्शन ए सही है बीकानेर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर, तो ऑप्शन सी सही है जोधपुर। जगति ज्योत पत्रिका का प्रकाशन बीकानेर से होता है, ये क्लियर ही है, इसके ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। हिंदी इस भाषा परिवार की भाषा है, कौन सा, भारोपीय की, भारोपीय की भाषा है। एक क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले एचपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें ये आया है कि भारत में सबसे कम बोली जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है, तो चीनी तिब्बती परिवार को सबसे कम बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा यह है, हिंदी बोली जाती है, हमें पता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत से या अपभ्रंश से, तो डी ऑप्शन सही है अपभ्रंश से। और क्रम क्या चलता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत, और पाली प्राकृत आपको पता ही है बौद्ध जैन से संबंधित है, और अपभ्रंश में राजा मुंज और कई तरह के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन इसमें डी सही है। यह बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु, तो ऑप्शन डी सही है, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये तमिल भाषाओं में है, तो तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा इस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में है और सूरदास जी ने इसे प्रतिष्ठित किया और उसके बाद से इसका नाम भी ब्रज भाषा हो गया। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए, इन्होंने ए दिया है राजभाषा। वैसे हिंदी भारत की राजभाषा नहीं है, जो उनका कमिटमेंट था 15 वर्षों का वो पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं इसे राष्ट्रभाषा कह सकती हूँ, लेकिन राजभाषा ठीक से मैं आपको बाद में चेक करके बताऊंगी इसका आंसर क्या होना चाहिए। ढूंढाणी बोली है, और अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट से मुझे भी काफी ज्ञान मिलता है, काफी पता चलता है। मैं कई बार क्वेश्चन का आंसर गलत बता जाती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ऐसा रेयर ही होता है, ना हो ऐसी मैं कोशिश भी करती हूँ, अपने आप को अप टू डेट करने की कोशिश करती हूँ। कई बार बिजी होने के कारण या कई बार ज्ञान ना होने के कारण मैं एक्सक्यूज कुछ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी गलत बता रही हूँ तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो एक एक नंबर से ही हमारे रह जाती है परसेंटेज, तो आई एम वेरी सॉरी अगर एक आध कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप प्लीज कमेंट में भी देख लिया कीजिए, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसका ये आंसर था और ये गलत बोला गया है। कई बार स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है, गलत बोल जाते हैं, गलती सभी से होती है, और जहाँ आप लार्ज स्केल में काम करते हैं वहां तो एक आध गलती, मेरे ख्याल से हम इंसान हैं तो हमारी माफ कर देनी चाहिए, आई एम सॉरी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज इसे शेयर जरूर करें, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में या जिस भी ट्विटर में, जहां भी आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कम एक्टिव रहते हैं वहां भी कर दीजिए।
जितने ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उतनी हमारी गलतियां ज्यादा पता चलेंगी। ये बहुत बड़ा मतलब हमें सहूलियत लग जाती है। नेक्स्ट है ढूंढाणी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, या दक्षिणी राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की। तो बी ऑप्शन सही है, पूर्वी राजस्थान की। ब्रज बोली नाम से पंजाबी, गुजराती, मराठी, पुरानी बंगला, कौन सी बोली जाती है? पुरानी बंगला। ब्रज बोली को लोग बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ब्रज भाषा मान लेते हैं, लेकिन इसका संबंध बंगला से है। निम्नलिखित में से यह भाषा देवनागरी लिपि लिखी जाती है, कौन सी लिखी जाती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कोंकणी, मराठी, यहाँ मराठी लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक मराठी भी है, कोंकणी भी है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनई के दूह बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन, हमर हिंसा लागत होए तवन हमका दे। ये अवतरण किस हिंदी की किस बोली से है? गुजराती, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो ऑप्शन है ए गुजराती। यह भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो ऑप्शन डी सही है, पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास इस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी से हुआ है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मी से हुआ है। खरोष्टी गदे के उसके हिसाब से लिखी जाती है, तो ये अगर ऐसी कोई चाहता है तो हमने खरोष्टी को टिक करना है। हिंदी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी में, क्लियर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो खड़ी बोली, खड़ी बोली में लिखी जा रही है रचनाएं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या राजस्थानी की? तो ऑप्शन ए सही है, पूर्वी हिंदी की। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी या डी बघेली। तो बघेली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, जिसे हम जाटू भाषा भी कहते हैं, लेकिन उसमें बघेली नहीं है। बघेली तो अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की है। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है 343 से 51 तक, पता ही है 343 से 51 तक में है। 43 में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को बताया गया है, आगे में कोई न्यायालय अलग अलग तरह के हैं। डिटेल आपको और वीडियोस में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो थोड़ा विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी डिटेल्स इनकी मिल जाएगी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जिसका महात्मा गांधी जी ने किया था, यह है चेन्नई में, सी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में इस विषय का वर्णन है, 351 में किस चीज का वर्णन है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी या हिंदी के, ये तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, 351 में नहीं आता है। हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये ऑप्शन सही है। उच्च न्यायालय नहीं है, 48 में आता है उच्च न्यायालय, तो पत्राचार की बात नहीं, ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी की या बिहारी की? ये आपको 5 उपभाषाएं और उनकी 18 बोलियां याद कर लेनी चाहिए। ये अभी आपका बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से आता जरूर 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 है, तो बी है। ये अभी ऊपर बात भी हुई है इसके बारे में। मगही इस उपभाषा की बोली है मैथिली, मगही और भोजपुरी, किसकी है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पूर्वी हिंदी की? पूर्वी हिंदी की तो हमने अभी बताई है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये तो है नहीं। उसके अलावा पश्चिमी की हमने बात की है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, बांगरू है, तो ये कौन सी होनी चाहिए? मगही मैथिली, मगही भोजपुरी हो है बिहारी की, यहाँ ऑप्शन भी डी दिया हुआ है। हिंदी खड़ी बोली इस अपभ्रंश से विकसित हुई, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राचड़। पिछले वीडियोस में इतना क्लियरली हमने आपको बताया है, जब आप निकालेंगे भाषा से संबंधित, तो उसमें पहले हमने अपभ्रंश के दिए हैं, उन्हीं अपभ्रंश से जो देवनागरी लिपि या हिंदी के विकसित हुए हैं उन सबको डिटेल में बताया हुआ है। इसका ऑप्शन है शौरसेनी, हिंदी खड़ी बोली इस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौरसेनी से, अर्धमागधी से ये पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, क ख ग 3 वर्ग बनाए गए थे, आपको पता होगा 1956 में।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम इस राज्य का गठन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध इस उपभाषा से है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी अभी बात हुई है, बी ऑप्शन से है, पूर्वी हिंदी से। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद आगे भी बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5000 क्वेश्चन है और कोशिश ये रहेगी कि आपको कम से कम 2000, बाकी आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।